हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की खिचड़ी। मूंग खिचड़ी यानी कि कंफर्ट फूड खिचड़ी जो होती है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा लाइट भी बन सकती है और बहुत ज़्यादा हैवी और स्पाइसी भी हम उसे बना सकते हैं। मतलब मेरे कहने का यह है कि खिचड़ी को जो वेरिएशन है वो आप 0 to 100 लगा सकते हैं। आज मैं बनाऊँगी मेरी बहुत ही पसंदीदा खिचड़ी, उस तरीके की एक खिचड़ी बनाएंगे, बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी गैस को ऑन करा है और यहाँ पे मैं जो खिचड़ी बना रही हूँ वो मैं शुद्ध घी में बनाऊँगी। तो यहाँ 3 टेबल स्पून फुल भर के मैं शुद्ध घी डाल रही हूँ। दोस्तों अगर आप चाहें तो रिफाइंड किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आए तो आप इसे घर पे बनाइएगा और फिर इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स को खिलाइएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाली है, राई डाली है। जब हमारी राई चटक जाएगी तब यहाँ पे मैं ये 2 लाल मिर्च डाल रही हूँ, खड़ी लाल मिर्च है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च को भी अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने करी पत्ता और हरी मिर्च डाली है, 2 हरी मिर्च है दोस्तों। वैसे तो खिचड़ी जो होता है सब देशों में अलग अलग बनाई जाती है। अगर आप यूपी चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको साबुत हरी मूंग की खिचड़ी मिलेगी, पंजाब में भी हरी मूंग और चावल की खिचड़ी मिलेगी। और अगर आप इधर महाराष्ट्र की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको दोस्तों ये तुअर की दाल और मूंग की दाल और जो धुली मूंग की दाल होती है और चावल की खिचड़ी मिलेगी। और मेरी जो पसंद है दोस्तों वो है चावल और धुली मूंग की दाल से खिचड़ी। तो बिना देर किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी जो मैं आपको लोगों के साथ में खिचड़ी बनाऊंगी, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसे जरूर बनाइएगा और उसका खुद खाइए और अपने फैमिली को टेस्ट कराने के बाद में अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। और उन लोगों के लिए, दोस्तों के लिए है जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, और मेरे बाकी के फ्रेंड्स को मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। और लाइक तो बनता ही है दोस्तों। तो बिना देखिए हम अपने ये मूंग की दाल की खिचड़ी की शुरू करते हैं। बिल्कुल इसमें रिलीज कर दिया है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब यहाँ पे इसके बाद में हम यहाँ पे जो रफली चॉप टमाटो है उसको भी हम यहाँ पे डालेंगे। इसके पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना अजवाइन डाली है, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये मोटी सौंफ जो है खारी वाली, ये 2 चम्मच डाली है मैंने। सबको अच्छे से भून लेते हैं और ये बहुत ही अच्छी स्मेल आने लगी। सारे मसाले जो है खड़े मसाले यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हमने अपना जो टमाटर लिए हैं वो हम डालेंगे इसमें। इसके पहले यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी यहाँ पे मैं क्रश करके डाल दूँगी, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमारा जो ऑयल है जो शुद्ध भी है वो बिल्कुल रिलीज हो चुका है, प्याज अच्छे से भून गई है। स्टेज पे आके हम इसमें अपने टमाटरों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, गैस की फ्लेम में बिल्कुल लो करके रखी है क्योंकि हमारी प्याज जो है पहले ही अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो अब हमने यहाँ पे जो रफली चॉप 3 टमाटर जो है उसको मैंने इसमें डालना है। ये मैंने टमाटर डाल दिया, ये मेरी देसी टमाटर है। आप चाहें तो हाइब्रिड टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे चाहे तो आप प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं। वैसे ये जो खड़े टमाटर होते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई पे रखा है और हम इसे लगातार चलाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। ये बहुत ही सिंपल और बहुत टेस्टी बनने वाली खिचड़ी है, फटाफट बनने वाली है। यहाँ पे मैं 2 स्मॉल चम्मच जो है, 1 टेबल स्पून जो है वो मिर्ची डाली है, 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और 1 ही चम्मच मैं इसमें धनिया का पाउडर डालूँगी। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल के साथ मिक्सअप कर लेंगे ताकि ये ऑयल में अच्छे से भुन जाए। और इसके बाद में थोड़ा सा मसाला डाल, पानी डाल के हम इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि ये हमारे मसाले जो है अच्छे से फूल जाएंगे और ये
एक ऑयल रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी के करीब पानी डाला है। और इसको हमें इतना भूनना है कि हमारे जो टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और इसमें से ऑयल रिलीज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं, हमारे बाकी के भी मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं और बहुत ही अच्छा अरोमा यहाँ से आ रही है। ये देखिए बिल्कुल ऑयल रिलीज हो गया है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम अपना बाकी दूसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे कि हमारी ये जो मैंने आधा घंटा पहले ये चावल और जो पीली मूंग की दाल है उसको मैंने भिगो के रखा था और उसको मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है। ये अच्छे से फूल गए हैं चावल और मूंग की दाल, तो ये बहुत अच्छी खिचड़ी बनेगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी ये। तो अब यहाँ पे हमको पानी को ऐड करना, थोड़ा हम इसको मसाले के अंदर अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। जब कभी भी आपको सब्जी रोटी खाने का मन नहीं करे तो आप तुरंत ये फटाफट खिचड़ी बना के देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आप बिलीव करेंगे कि आप इसको एक बार बनाने के बाद ज़रूर दूसरी बार बनाना चाहेंगे। तो दोस्तों हमें इसमें अब मैं आपको यहाँ पे क्वांटिटी किस क्वांटिटी से पानी डालूंगी ये मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा मेथड जो है इससे बड़ी ही परफेक्ट और अच्छी खिचड़ी बनती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने और पानी लिया करीब आधा भगोनी के करीब लिया और मैं उंगली का मेज़रमेंट के हिसाब से इसमें पानी को मेज़र करती हूँ। ये हमारी जो फिंगर है इसको बिल्कुल ये फर्स्ट जो इसका पोर होता है उसको बस टच करना होता है चावल तक, और बीच में चावल से टच करने से यहाँ तक पानी आ जाए तो एक्यूरेट पानी रहता है। अब मैंने इसको अच्छे से थोड़ा मैंने टेस्ट करके देखा था दोस्तों, यहाँ पे मैं जो नमक थोड़ा कम लगा तो मैं यहाँ थोड़ा नमक और ऐड कर रही हूँ। हम इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे। गैस की फ्लेम हमने फुल कर दी है और अब हम इसमें इसका ढक्कन लगा के 3 सीटी देंगे। आप चाहे तो इस समय इसमें अगर थोड़ा हैवी बनाना चाह रहे हैं तो इसमें मटर, गाजर, बीन्स कुछ भी बना के डाल सकते हैं। जब तक हमारी खिचड़ी हो रही तब तक मैं यहाँ पर अपना रायता बनाती हूँ, ककड़ी का रायता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के करीब दही लिया है। अब इसमें मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे सबसे पहले सेंधा नमक मिला रही हूँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद में हम यहाँ पे जो हमारी लाल मिर्च है थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी इसमें। यहाँ पे हमने आगे इसमें हम जीरा जो भी भुना हुआ जीरा है उसको मैंने पीस लिया है, वो हम 1/2 चम्मच ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने इसमें ऐड करना है अपना थोड़ा सा फ्लैक्स सीड्स डाले हैं यहाँ पे, रेड चिली फ्लैक्स सीड्स है ये मैंने डाल दिए हैं। और ये हमारा जो है ये काला नमक है इसको भी मैं ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल पिंच के करीब ही डालूँगी, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। अब यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा ये जो है हमारा ब्लैक पेपर है उसको भी मैं हल्के से डाल रही हूँ। इन सारी जो मसाले डालते हैं दोस्तों इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच के करीब शक्कर डाली है और ये थोड़ा टैंगी और ये इस टाइप का खट्टा मीठा टेस्ट होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है दही का रायता इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। ये मेरा बिल्कुल फ्रेश कर्ड है और ये मैंने घर में ही जमाया है। दोस्तों आप बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा, रखा वो दही जो होता है वो बहुत खट्टा हो जाता है, फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। ये देखिए बिल्कुल हमने इसको अच्छे से शक्कर को मिक्सअप कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद में इसको साइड में रख देते हैं और एक प्लेट में हम अपना जो हमने ककड़ी ली है इसको हम यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि हम ककड़ी का रायता बना रहे हैं इसलिए हम ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेते हैं। ये हमारी सारी ककड़ी ग्रेट हो चुकी है तो अब हम ये अपना ग्रेटेड ककड़ी जो है ये इसमें रायते में मिला देंगे। दोस्तों जब आप
खाने जाए उसी टाइम इसको मिलाइए, क्योंकि इसमें बहुत वाटर पोटेंशियल होता है, इसमें पानी बहुत होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी ही पतला हो जाएगा। इसलिए जिस समय आप खाने बैठे उसी समय ककड़ी को ग्रेट करके इसमें मिलाइए। इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं तो यह हमारा ककड़ी का रायता बिल्कुल तैयार हो चुका है और यह हमारा कुकर भी हो गया है। अब मैं आगे इसमें ये मैंने मठा लिया है और ये भी घर में ही मैंने मठा बनाया है, दही जो बचा हुआ था उसका। अब इसमें कुछ मैं मसाले डाल रही हूँ। सबसे पहले काली मिर्च मैंने डाली है और इसमें मैंने नमक डाला है थोड़ा सा, जीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। अभी इन तीनों को अच्छे से मिला लेंगे, हमको और इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है। और अब यहाँ पे हम आपको डिस्प्ले करके बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कुकर हो चुका है। अब हम इसको खोल के देखते हैं कि हमारी खिचड़ी किस तरह की बनी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, वाओ, बहुत ही टेस्टी और यमी ये खिचड़ी लग रही है। अब मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी खिचड़ी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और दोस्तों, मैंने इसको अपने मठे और ककड़ी के रायता और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो आज की रेसिपी अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर अपने ट्राई कीजिएगा और आप भी खाइएगा और अपने फैमिली को भी खिलवाइएगा। और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो आइकॉन बेल पास में, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो हम फिर जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।